हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.2 टू का क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2, क्लोज इंटरवल है। इसका फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। देखिए, अब यहाँ पे 0 to π/2 है। देखिए इंटरवल क्या है, 0 to π/2। तो फॉर 0 to π/2 ये 0 to π/2 में क्या है, साइन एक्स पॉजिटिव होता है। साइन एक्स ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज माइनस साइन एक्स इज लेस देन 0। देखिए, देयर फॉर एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स इज लेस देन 0, देयर फॉर एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2, क्योंकि एफ डैस एक्स नेगेटिव है, आ रहा है लेस देन 0, इसलिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट बी देखिए। बी में एफ एक्स इक्वल टू है कॉस 2x, डेरिवेटिव निकालेंगे इसका तो आएगा माइनस 2 sin 2x। अब फॉर इंटरवल देखो, एक्स लाइज बिटवीन 0 and π/2, 0 से π/2 के बीच में है। देखिए, तो अब हमें इसमें यहाँ एंगल 2x है, 2x एंगल है, तो दिस इम्प्लाइज 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, 2 का 2 हो जाएगा 2x और ये पाई। अब साइन एक्स मतलब ये कौन सा हो गया इंटरवल, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन 2x इज ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2 sin 2x, ये लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि अपने पास तो देखो नेगेटिव है। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग इन 0 to π/2, ये डिक्रीजिंग आ गया है। अब नेक्स्ट में देखिए, अब थर्ड वाला है सी, एफ एक्स इक्वल टू cos 3x। तो डेरिवेटिव निकाला हमने तो एफ डैस एक्स इक्वल टू -3 sin 3x। अब फॉर इंटरवल है अपना 0 to π/2, तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल पे 3x है, तो 0 less than 3x less than 3π/2, 3π/2, 3π/2 मीन्स क्या होता है, 270। इसमें क्या आता है, 270, मतलब ये 3 क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट आ रहे हैं इसमें। देखिए, तो यहाँ आ रहा है 0 less than 3x less than 3π/2, यहाँ 3 क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, देखिए ये 3 क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, 0 से 3π/2, मतलब 270 तक, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट,
तीन क्वाड्रेंट में देखना है। देखो तो यहाँ फर्स्ट सेकंड में साइन पॉजिटिव है और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो यहाँ देखिए आप तीन क्वाड्रेंट हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ साइन थ्री एक्स, सिंस साइन थ्री एक्स इज पॉजिटिव इन जीरो टू पाई, मतलब फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव है बट साइन थ्री एक्स इज नेगेटिव इन पाई थ्री पाई बाई टू, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है इसमें। देयरफॉर एफ डैश एक्स नाइदर, देखो तो इसमें तो यहाँ तो हो जाएगा ये डिक्रीजिंग, इसमें जीरो से पाई में डिक्रीजिंग हो रहा है और पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू में आ रहा है इंक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स हैव नॉट सेम साइन इन होल इंटरवल देयरफॉर एफ एक्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाई बाई टू, ये अपना हो गया। देखिए क्योंकि एक जैसा साइन नहीं चल रहा है इसका। अब इसके बाद देखिए डी वाला पार्ट देखिए, हियर एफ एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू सॉरी टेन एक्स था, टेन एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर एक्स, एफ एक्स था टेन एक्स, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए तो सेक स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही होगा हमेशा। देखो इन इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव है। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन इन जीरो टू पाई बाई टू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस वन, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पता करना है किस किस इंटरवल में है। इंटरवल फोर इंटरवल्स हैं, देखिए आप सॉल्यूशन यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस वन। तो देखिए तो यहाँ पे हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो डेरिवेटिव इसका आएगा 100 एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स और माइनस जीरो, ये आ गया। अब फर्स्ट में देखो ए इंटरवल ले रहे हैं फॉर माइनस वन टू प्लस वन, माइनस वन और प्लस वन के बीच में। देखो तो यहाँ पे देखिए
माइनस वन और प्लस वन के बीच में देखिए, एक्स लाइज माइनस वन एंड प्लस वन, दिस इंप्लाइज माइनस वन एक्स की पावर 99 एंड प्लस वन इनके बीच में। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 100 लेस देन 100 एक्स की पावर 99 और 100, ये आ गया, ये चल रहा है तो ये आ गया। ऑल्सो 0 लेस देन कॉस एक्स लेस देन 1, 0 और 1 देखिए, माइनस 1 प्लस 1 के बीच में 0 और 1। अब यहाँ पर या तो एफ डैश एक्स, देयर फॉर एफ डैश एक्स कैन आइदर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन माइनस वन टू प्लस वन, देयर फॉर एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये हो गया फर्स्ट इंटरवल। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में 0-1 है देखो, तो फॉर बी में इंटरवल है 0-1 देखो, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड एक्स की पावर 99 एंड कॉस एक्स बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में दोनों ही पॉजिटिव होंगे, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, पूरा ही एफ डैश एक्स निकाला जी पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है इन 0-1, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब सी देखिए, सी वाला पार्ट, सी में दिया है फॉर इंटरवल, देखो इंटरवल अपने को दिया है पाई बाय टू टू पाई, माने सेकंड क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट आई ई एक्स लाइज पाई बाय टू एंड पाई, ये अब पाई बाय टू से पाई एक्स की प्लेस पर रखेंगे तो एक्स की पावर 99 माने सेकंड क्वाड्रेंट है इज पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है एंड कॉस एक्स क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, देखो तो कॉस एक्स माइनस वन से 0 हो सकता है ये, देयर फॉर
एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव आया। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इनक्रीजिंग इन या ऑन पाई बाई टू पाई, इस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है। अब इसके बाद फोर्थ वाला देखिए, डी डी पार्ट देखिए, फॉर 0 to π/t मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, आई ई एक्स लाइज बिटवीन 0 to π/2, यहाँ दोनों ही पॉजिटिव होंगे, एक्स की पावर 99 एंड कॉस एक्स बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव आर पॉजिटिव, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब पॉजिटिव आया एफ डैश एक्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इन इंटरवल इन ऑन 0 to π/2, दिस इम्प्लाइज पार्ट डी इज करेक्ट, पार्ट डी इज करेक्ट आंसर। देखिए तो ये अपना क्वेश्चन था, तो इनमें से किस किस में सी ओ डी दो में है, दो में इंक्रीजिंग है और दो में, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट है 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए ये फंक्शन गिवन है इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 1 and 2। देखिए तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए आप, गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1, इसका हम एफ डैश एक्स निकालें अगर हम, तो आएगा 2x प्लस 2a और 1 का 0 हो जाता है, बन का 0 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग सिंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ये गिवन है इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 1 and 2, 1 2 के बीच में ये हो जाएगा। अब इसमें देखो एफ डबल डैश निकाल रहे हैं हम, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो इसका आएगा केवल 2, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 2 into 1 2 आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1 2, ये तो एफ डैश एक्स ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ गया, तो एफ देखो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन,
इंक्रीजिंग फंक्शन आया है, और लीस्ट वैल्यू देयरफॉर एफ डैश वन इज लीस्ट वैल्यू, एफ डैश वन लीस्ट वैल्यू होगी ऑफ एफ डैश एक्स इन वन टू इंटरवल वन टू। देखो तो यहाँ हो जाएगा बट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू वन टू, ये है। देयरफॉर एफ वन, एफ वन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज टू प्लस, देखो यहाँ हम एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हैं, वन रख रहे हैं, ठीक है। तो टू प्लस ए ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज ए ग्रेटर देन माइनस के टू, ये आ गया। तो लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू मतलब सबसे छोटी वैल्यू ऑफ ए इज माइनस टू, सबसे छोटी वैल्यू माइनस टू है। अब क्वेश्चन 15 देखिए आप, तो क्वेश्चन 15, लेट आई बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम माइनस वन से वन, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। देखो तो इसमें गिवन क्या है, ये गिवन फंक्शन है अपने पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो यहाँ हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, दिस इम्प्लाइज इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स का वन और वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। देखो तो हम इसका बोलेंगे, देखो तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया हमने तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। देखिए यहाँ तक आ गया, एक्स बिलोंगिंग टू आई, एक्स बिलोंगिंग टू आई, देखिए दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंगिंग टू इंटरवल आई है, लेकिन आई माइनस वन और वन को छोड़कर है, इंटरवल है माइनस वन और वन को छोड़कर, ये दोनों को छोड़ दीजिए आप। देखो दिस इम्प्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी जीरो से ग्रेटर होगा। देखो सिंस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर जीरो से बड़ा है इसलिए ऐसा हुआ, दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव आया है, दस एफ डैश एक्स, दस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन या ऑन इंटरवल आई, ये आ गया 15 आ गया, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तो 16 क्वेश्चन है सॉल्यूशन, यहाँ फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू
लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, दिस इम्प्लाइज एफ डैस एक्स निकालेंगे तो लॉग साइन एक्स का वन अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स, तो ये आ गया कॉट एक्स। क्या आ गया? कॉट एक्स। अब यहाँ देखिए ये कॉट एक्स आ गया है। अब यहाँ एक्स की वैल्यू कहाँ है, किस में है? पाई बाई टू से पाई, तो कॉट एक्स पाई बाई टू से पाई माने थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? देखो ये कॉट एक्स है तो पाई बाई टू से इसमें कौन कौन से दिए हैं? जीरो से पाई बाई टू और पाई बाई टू से पाई। तो यहाँ देखिए व्हेन, पहले फर्स्ट वाले में चेक कर रहे हैं, एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड पाई बाई टू, तो एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया मींस पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एफ एक्स कैसा? इंक्रीजिंग आ गया। अब व्हेन एक्स लाइज बिटवीन, इसमें देखो पाई बाई टू से पाई, पाई बाई टू टू पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गए, तो ये एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब कॉट एक्स है, कॉट एक्स इज नेगेटिव, इज नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया, देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल पाई बाई टू से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एफ एक्स क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। जो हो गया तो अपना जो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो से पाई बाई टू में इंक्रीजिंग था और सेकंड वाला पाई बाई टू से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये 16 कंप्लीट हो गया। देखिए प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स। अब पहले लॉग साइन एक्स था, अब लॉग कॉस एक्स आ गया। देखिए फिर उसी तरीके से करेंगे, फंक्शन गिवन है लॉग कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका हम, वन अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये अपना बन गया है माइनस टेन एक्स आ गया, तो एफ डैश एक्स आया माइनस टेन एक्स। देखिए अब वहाँ पे देखिए अपन क्या करते हैं, देखो व्हेन एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू पाई बाई टू, तो टेन एक्स पॉजिटिव होता है, टेन एक्स इज पॉजिटिव बट माइनस टेन एक्स इज नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन या ऑन इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू, व्हेन अगर दूसरा इंटरवल लें एक्स लाइज बिटवीन पाई बाई टू से पाई माने सेकंड क्वाड्रेंट, तो टेन एक्स इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो टेन एक्स इज नेगेटिव, देयरफॉर माइनस टेन एक्स इज पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो उसका माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स इज पॉजिटिव
एन पाई बाई टू टू पाई पॉजिटिव है, देयर फॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल पाई बाई टू से पाई, ये इंक्रीजिंग हो गया। तो 17 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए अब 18 देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन, ये फंक्शन दिया है इंक्रीजिंग ऑन आर, मतलब सब जगह इंक्रीजिंग है। सॉल्यूशन देखिए, एफ एक्स दिया फंक्शन है एक्स क्यूब, देखो फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 100। तब हम इसमें डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स देखिए 3x² माइनस 6x और प्लस 3 और ये 0 आ जाएगा यार। तो यहाँ आएगा 3 कॉमन आएगा तो x² माइनस के 2x प्लस के 1, तो इसको हम निकालेंगे तो आ जाएगा 3 × x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ होल स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नाउ x बोलेंगे इंटू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लें, प्लस माइनस कुछ भी ले लें, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 × x माइनस 1 होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 0 और 0 से ग्रेटर ही होगा, आई ई एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन R, R में इंक्रीजिंग है। ये भी हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 19, ये कह रहे हैं द इंटरवल इन विच y इक्वल टू x² के बार माइनस x इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इंक्रीजिंग है ये पता करना है हमको। देखिए तो इसमें सॉल्यूशन करके बताते हैं हम, y इक्वल टू है x² e^ माइनस x, तो इसका या इसी को हम एफ एक्स बोल दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स मान लें इसको हम। तो अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू टू फंक्शन से आएगा 2x e^ माइनस x माइनस x² e^ माइनस x, ये आ गया। देखिए तो जिसमें e^ माइनस x कॉमन ले लें, तो x e^ माइनस x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2 माइनस x आया। देखिए तो अब यहाँ पे देखिए निकालते हैं हम, तो इसका आंसर केवल ये करेक्ट है। देखिए तो हम फिर इसको बता देते हैं थोड़ा सा, x इक्वल टू 0, इसमें 4 दिए हैं, देखो सिंस नाउ e^ माइनस x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, सब जगह पॉजिटिव ही है। अब इसके बाद का करेक्ट आंसर लिख देता हूं मैं, करेक्ट आंसर इज डी, डी इस